मैं पिछले 7-8 साल से जीआरडी के सीवियर सिम्टम से परेशान था। मुझे हमेशा जलन होती थी, जैसे जीआरडी मेरी शुरू हुई वैसे मेरी साइनस का भी प्रॉब्लम हुआ। साइनसाइटिस बहुत हमेशा सर्दी रहती थी और हमेशा जलन होती और रोज़ मुझे उल्टियाँ होती थी। 2-3 महीने से मुझे रोज़ उल्टियों का प्रॉब्लम और बढ़ गया था, तो मेरा वज़न 5 से 6 किलो कम हो गया था। और इसके बाद मुझे डॉक्टर्स ने डिक्सटल एस्प्रेज़ोल 60 प्रिस्क्राइब किया और इससे मैं और उन्होंने कहा कि ये ज़िंदगी भर मुझे ये गोलियाँ लेनी पड़ेगी। मेरे ऑपरेशन को लगभग 3 घंटे हो चुके हैं और मैं आसानी से चल फिर रहा हूँ, कोई तकलीफ नहीं है। मुझे ऑपरेशन के वक्त भी कोई तकलीफ नहीं हुई। आज मेरे ऑपरेशन को लगभग 6 से 7 महीने हो चुके हैं। मैं ये भूल चुका हूँ कि एसिडिटी भी कोई प्रॉब्लम होती है। मुझे कभी एसिडिटी की कोई भी तकलीफ नहीं हुई। अभी तक मुझे ऑपरेशन के बाद एक बार भी उल्टी भी नहीं हुई। अगर मैं मसालेदार खाना खाता हूँ तो भी मुझे कोई समस्या नहीं होती है। मेरा नाम अभिजीत साढ़े है। मैं पिछले 7-8 साल से जीआरडी के सीवियर सिम्टम से परेशान था। मुझे हमेशा जलन होती थी, जैसे जीआरडी मेरी शुरू हुई वैसे मेरी साइनस का भी प्रॉब्लम हुआ। साइनसाइटिस बहुत हमेशा सर्दी रहती थी और हमेशा जलन होती और रोज़ मुझे उल्टियाँ होती थी। मैंने सभी डॉक्टर्स को दिखाया, उन्होंने मुझे तब से एंटासिड देनी शुरू कर दी। पहले मैं PPI लेता था, PPI में सबसे पहले मेरा ओप्रोमाजोल से शुरू हुआ, वो 20 mg एक थी। फिर बाद में रिबोफ्लाविन 20 mg 2 बार लेता था, उससे भी राहत नहीं थी। जैसे गोलियां बंद कर देता था फिर से उल्टियाँ शुरू हो जाती थी। अब मैं लगभग 2-3 महीने से मुझे रोज़ उल्टियों का प्रॉब्लम और बढ़ गया था, तो मेरा वज़न 5 से 6 किलो कम हो गया। और इसके बाद मुझे डॉक्टर्स ने डिक्सटल एस्प्रेज़ोल 60 प्रिस्क्राइब किया और इससे मैं और उन्होंने कहा कि ये ज़िंदगी भर मुझे ये गोलियां लेनी पड़ेगी। तो मैं इसके लिए बहुत सर्च कर रहा था, तो मुझे डॉक्टर चिराग ठक्कर यूट्यूब से पता चला, उनके रिव्यूज़ देखे, पेशेंट्स के रिव्यू देखे, इसलिए मैंने तय किया कि फिर मैं इनके पास जाकर देखता हूँ। तो मैं महाराष्ट्र से नागपुर के पास से यहाँ गुजरात में आया, अहमदाबाद में, और उन्होंने जो कहा कि उन्होंने मेरी PH इंग्लिश स्टडी की और उसमें पता चला कि मुझे बहुत ज़्यादा सीवियर GRD है और मेरा जो एसिड है वो बहुत ज़्यादा बार रिफ्लक्स हो रहा है और बहुत 20-30 मिनट तक इसोफेगस में ठहर रहा है। तो उन्होंने फिर कहा कि इसके लिए मुझे सर्जरी ही एक ऑप्शन है, जिससे मैं ज़िंदगी भर जो गोलियां खानी है वो गोलियां बंद कर सकता हूँ, क्योंकि गोलियों के साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत हैं। ज़िंदगी भर में मेरी उम्र 35 साल है और मैं और 35-36 साल तक ये गोलियां कंटिन्यू नहीं खा सकता था, इसलिए मैंने अभी ऑपरेशन करवाया है। मेरे ऑपरेशन को लगभग 3 घंटे हो चुके हैं और मैं आसानी से चल फिर रहा हूँ, कोई तकलीफ नहीं है। मुझे ऑपरेशन के वक्त भी कोई तकलीफ नहीं हुई। सिर्फ एक एनेस्थेशिया दिया गया और मुझे नींद आ गई और बाद में मुझे ऑपरेशन का कुछ भी पता नहीं चला। और अभी मैं चल फिर रहा हूँ। अभी मैंने थोड़े देर पहले खिचड़ी खाई है, जूस पिया है, चाय भी पी है और अभी मैं घूम फिर रहा हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि मेरा साइनोसाइटिस लगभग ख़त्म हो चुका है ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि जैसे मेरा ऑपरेशन हुआ है मुझे सर्दी की जो समस्या थी वैसी हो नहीं रही है, मेरी नाक बह नहीं रही है और मैं अभी बहुत ठीक ठाक महसूस कर रहा हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा कल तक मुझे छुट्टी मिल जाएगी इसके लिए। नमस्कार, मेरा नाम अभिजीत साढ़े है और मैं यवतमाल महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ और मेरी उम्र 35 साल। दोस्तों, मुझे एसिडिटी की समस्या 2011 से शुरू हुई थी। उस समय उतनी समस्या ज़्यादा नहीं थी। मैंने वहाँ के जो लोकल डॉक्टर से उनको दिखाया और उन्होंने मुझे PPI प्रिस्क्राइब कर दी थी, लेकिन वो हुआ ऐसे कि दिन ब दिन मेरे PPI की डोज बढ़ती चली गई।
ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि मुझे अगर मैं एक भी दिन पीपीआई नहीं लेता था तो मुझे उल्टियाँ शुरू हो जाती और मैं कुछ भी खाने के बाद मुझे उल्टी होनी ही होनी थी। मेरा वजन भी दिन ब दिन घट रहा था। मैंने कई सारे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाया, उन्होंने उनके टेस्ट के बाद उन्होंने कहा कि मेरा जो इसोफेगल वॉल है वो वॉल खुला है और इसकी वजह से जो एसिड है वो मेरे ऊपर अंदर नलिका में आ जाता है और इसलिए ये तकलीफ मुझे होती है। तो मुझे उन्होंने अपने पीपीआई की डोज बढ़ाने के लिए कहा, पहले 10 mg, बाद में 20 mg और उसके बाद में पेंटाफोर्टी के 2 डोज लेने लगा था दिन में 2 बार। और इसके बाद परिस्थिति इतनी खराब हो गई कि मुझे नेस्ट्रा लेंस ऑफ प्रेजोल 60 mg के डोज में 2 बार लेने पड़ा। एक भी दिन अगर मैं उन डोज को नहीं लेता था तो मुझे उल्टियाँ शुरू हो जाती। इसकी वजह से, इस एसिडिटी की वजह से मुझे माइग्रेन की तकलीफ भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। इसकी जद में मेरी जो रोज़मर्रा का जीवन है वो भी आ चुका था। मैं हमेशा डर में लगा रहता था कि मैं अगर कहीं बाहर जाता हूँ या कुछ खाता हूँ तो मुझे न जाने एसिडिटी हो जाए या मुझे उल्टियाँ शुरू हो जाए। मैं कहीं भी जा नहीं पा रहा था, मेरा जीवन नीरस हो चुका। इसके बाद जब मुझे समस्या और बढ़ने लगी और जो दवाइयाँ इसके साइड इफेक्ट भी मुझे दिखने लगे थे, मेरा खाने से मन उड़ने लगा था और स्वाद भी मुंह में नहीं रहता था, मैंने इसके बारे में रिसर्च करना शुरू कर दिया। मैंने वेब पर रिसर्च करी, मैंने यूट्यूब पर रिसर्च की और इसमें मुझे डॉक्टर चिराग ठक्कर के कुछ वीडियोज मिले, उनके पेशेंट्स के रिव्यू मिले। मैंने अपनी समस्या डॉक्टर चिराग ठक्कर को बताने का फैसला किया। मैंने वहाँ पर एंड्रॉयड क्लिनिक में मैंने फोन लगाया और उन्होंने मुझे जो मेरे रिपोर्ट्स है वो रिपोर्ट्स मुझे उन्होंने व्हाट्सएप के जरिए भेजने के लिए कहा। मैंने वो रिपोर्ट्स भेज दी और उनकी रिपोर्ट्स देखने के बाद, उनकी स्टडी करने के बाद उनका मुझे फोन आया और उन्होंने कहा कि मुझे वहाँ अहमदाबाद गुजरात में आना पड़ेगा और मुझे एसिड इम्पीडेंस स्टडी है वो स्टडी का वो टेस्ट करनी पड़ेगी और उससे पता चलेगा कि मेरी समस्या कितनी गंभीर है। फिर क्या था, मैं अहमदाबाद गुजरात चला गया उनके क्लिनिक में, उन्होंने मेरी टेस्ट की और उसके बाद पता चला कि मेरी एसिडिटी की समस्या सच में बहुत ज़्यादा है। उन्होंने मुझे कहा कि इसके लिए मुझे ऑपरेशन करना पड़ेगा और उस ऑपरेशन करने के बाद मुझे हमेशा के लिए इस एसिडिटी की तकलीफ से छुटकारा मिल जाएगा। और मैं उसी उधेड़बुन में लगा था कि न जाने कहीं से कैसे भी होकर इस समस्या, जो मेरी प्रकृति की समस्या, उसका हमेशा के लिए समाधान हो जाए। मैंने ऑपरेशन के लिए हामी भर दी। ऑपरेशन में मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, मुझे सिर्फ एक इंजेक्शन लगा और मैं बेहोश हो गया, मुझे नींद आ गई और जब मैं उठा तो मेरा ऑपरेशन हो चुका था। ऑपरेशन होने के बाद मुझे ज़्यादा दर्द वगैरह भी नहीं हुआ। ऑपरेशन के पहले ही दिन डॉक्टर चिराग ठक्कर ने मुझे पतला खाना, दाल चावल खाने के लिए कहा। मैंने दाल चावल खाना शुरू कर दिया और 6 से 7 दिन तक मैंने पतला खाना, जूस और दाल चावल वगैरह शुरू किया और धीरे धीरे मैंने अपना खाना बढ़ाना शुरू किया। लगभग महीने भर बाद मैंने ठोस आहार लेना शुरू कर दिया, लेकिन सिर्फ समस्या इतनी थी कि मैं जितना पहले एक समय में खाता था उतना खा नहीं सकता। मैं उतना ही खाना छोटे छोटे हिस्से करके दिन में 4 या 5 बार थोड़ा थोड़ा करके खाता और बाद में 3 से 4 महीने बाद मेरा आहार पहले की तरह हो गया। और यकीन मानिए आज मेरे ऑपरेशन को लगभग 6 से 7 महीने हो चुके हैं। मैं ये भूल चुका हूँ कि एसिडिटी भी कोई प्रॉब्लम होती है। मुझे कभी एसिडिटी की कोई भी तकलीफ नहीं हुई। अभी तक मुझे ऑपरेशन के बाद एक बार भी उल्टी भी नहीं हुई। मैं जो भी चाहूँ वो खा सकता हूँ। आज तो मेरा जो पहले का आहार है वो भी शुरू हो चुका है, उतना ही मैं खा लेता हूँ। अगर मैं मसालेदार खाना खाता हूँ तो भी मुझे कोई समस्या नहीं होती है। मैं एक आध बार ड्रिंक भी ले लेता हूँ तो भी मुझे कोई समस्या नहीं होती। मैं पूरी तरह से स्वस्थ जीवन जी रहा हूँ। मेरा वजन भी अब बढ़ चुका है और मैं सामान्य वजन तक पहुंच चुका हूँ और
ये जो नया जीवन मुझे मिला है उसका सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद डॉक्टर चिराग ठक्कर जी को दूंगा, क्योंकि उन्होंने भगवान की तरह मेरी मदद की और ये जो स्वस्थ जीवन मैं जी रहा हूँ ये उन्हीं की बदौलत है। धन्यवाद।